हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। श्रोताओं के रिक्वेस्ट पर, व्यूअर्स की इच्छा के ऊपर देखते हुए, मद्देनजर मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए कॉल और पुट ऑप्शन की एक सीरीज, जिसमें मैं आपको अच्छे से एजुकेट करूंगा और आपको तैयार करूंगा एक मार्केट के नए सेगमेंट के लिए, जहां आप जी जान से खेल पाएंगे और हो सका तो अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। पर इसकी तैयारी में हमें कुछ समय लगेगा। आज इस श्रृंखला में पहली, मैं सीरीज में पहला मैं वीडियो लेके आ रहा हूं और आज हम चर्चा करेंगे कॉल की। आइए पहले बात को समझते हैं। देखिए, अगर हमें निफ्टी में खेलना है, हमें निफ्टी पे विश्वास है, मान लीजिए आज इंडेक्स 12,000 है और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो इंडेक्स है निफ्टी 12,500 हो जाएगा, तो मेरा बड़ा मन है, मैंने निफ्टी खरीद लिया आज 12,000 का और इंतजार करने लगा। मैंने कहा भाई अगले थर्सडे तक इंतजार करूंगा, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे देखूंगा और अगर ये 12,000 से ऊपर हो जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे बड़ी उम्मीद थी, मैं अपना थर्सडे की इंतजार करता रहा, थर्सडे की इंतजार करी और थर्सडे को क्या हुआ, निफ्टी 12,000 से 12,500 नहीं हुआ, वो 11,000 रह गया, गिर गया। बैड न्यूज आ गई सुबह सुबह और गिर के 11,000 हो गया। तो अब क्या होगा, मैं सोच रहा था 500 रुपये बचेंगे और मुझे 1,000 रुपये देने पड़ गए। अब निफ्टी का जो लॉट होता है वो 75 यूनिट्स का होता है, एक यूनिट पे मुझे एक निफ्टी पे 1,000 रुपये का लॉस हो गया, तो 75 का लॉस हो गया। मेरे तो साहब कपड़े फट गए, मैं तो धरती में घुस गया, ये क्या हुआ यार। मैं तो सोच रहा था 500 रुपये बचेंगे एक निफ्टी पे, 75 पे 500 रुपये बचेंगे, 37,500 रुपये मिल जाएंगे और यहाँ जो भाई साहब 1,000 रुपये का नुकसान पड़ गया और 75,000 देने पड़ गए। इसको बोलते हैं हिंदी में लेने के देने पड़ गए, मिला तो कुछ नहीं देना पड़ गया। अब मैंने कहा यार कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, यार मजा नहीं आया, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि अगर निफ्टी बढ़ जाए तो मुझे प्रॉफिट मिल जाए और गिर जाए तो मुझे कोई ना देना पड़े। मैंने ऐसे हंस के किसी से कहा यार कोई ऐसा भी तरीका होना चाहिए कि निफ्टी अगर बढ़ जाए, मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट तो मिल जाए पर गिर जाए तो हम सौदा कैंसिल कर दें। हमें कैंसिल है, हमें नहीं करना ये काम, हम उसे कैंसिल कर दें शुरू से ही और हमें कुछ देना ना पड़े अगर गिर जाए रेट। तो बंदा बोला हां है ऐसा। मैंने कहा हैं, ऐसे कैसे हो सकता। बोला है ना, आपको नहीं पता, इसको कॉल ऑप्शन कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये भाई क्या है कॉल ऑप्शन। कहता जी देखो कॉल ऑप्शन में क्या है, मेरी बात सुनो, अब आज निफ्टी का रेट है 12,000, आपको लग रहा है ये 12,500 हो जाएगा, तो आप क्या करो 12,000 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल खरीद लो। हर कॉल का ना स्ट्राइक प्राइस होता है, उसके ऊपर का रेट जो होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई इसका क्या मतलब हुआ। बोला इसका मतलब अगर आपने 12,000 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल खरीद ली और थर्सडे को जब एक्सपायरी है निफ्टी बढ़ के 12,500 हो जाता है, आपकी स्ट्राइक कितनी थी। मैंने कहा 12,000, अब निफ्टी कितना है 12,500। कहता जो चीज आपने 12,000 की खरीदी वो 12,500 होगी ना, तो 500 का प्रॉफिट है वो आपको पर निफ्टी मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा ये तो सही है, और अगर गिर गया, मान लो एक्सपायरी के दिन निफ्टी जो है 12,000 से गिरकर 11,000 हो गया, तो कहते तब आप कुछ मत देना। मैंने कहा हैं, यही तो मैं चाहता था, गिर जाए तो कुछ ना दूं, बढ़ जाए तो मिल जाए। कहता हां आप तब कुछ मत देना। मैंने कहा यार मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। कहता भाई फ्री में थोड़ी मिलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा भाई क्या मतलब। कहता ये कर सकते हो पर आपको मुझे छोटा सा प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक अच्छी सुविधा दे रहा हूं जिसमें फायदा आपका नुकसान आपका नहीं है, तो इस बात का मुझे कुछ तो दो। मैंने कहा हाँ दे देंगे साहब। बोला कितना दोगे। मैंने कहा 100 रुपये दे दूंगा। कहता हाँ 100 रुपये ठीक है, आप मुझे 100 रुपया दे दो। तो अब ये जो 100 रुपया मैंने उसको दिया कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए, इसको बोलते हैं प्रीमियम, कॉल प्रीमियम। तो कॉल का प्रीमियम मैंने उसको 100 रुपये दे दिया। 100 रुपये इस बात का दिया कि भाई स्ट्राइक प्राइस 12,000 है, एक्सपायरी पे अगर निफ्टी 12,000 से ऊपर हुआ तो तुम मुझको दे दियो पैसे, और नीचे हुआ तो सौदा कैंसिल, सौदा लैप्स हो जाएगा, मुझे तुझे कुछ नहीं देना। अब बात को आगे समझते हैं। अब मान लीजिए भैया जो एक्सपायरी आई थर्सडे की और उस दिन जो निफ्टी था, जो एक्सपायरी मतलब होता है लास्ट डे जब सौदा हमें कैंसिल करना ही है, मतलब सौदा सेटल करना है, कैंसिल वर्ड गलत है, लास्ट डे जब हमें सौदा सेटल करना है तो वो एक्सपायरी होता है। एक्सपायरी मतलब लास्ट डे जब सौदा सेटल करना है। अब थर्सडे को सेटलमेंट थी, लास्ट डे पे जो निफ्टी भाई साहब सच में 12,500 हो गया, तो जो उस बंदे को मैंने 100 रुपये प्रीमियम दिया था वो मुझे 500 रुपये दे देगा। अब मैं आपसे पूछता हूं मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं गिनती गिन रहा हूं 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। 12,000 स्ट्राइक प्राइस था, 12,500 निफ्टी का एक्सपायरी था,
तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 400। कैसे? देखो मुझे 500 रुपए मिलेंगे क्योंकि 12000 का मेरा स्ट्राइक प्राइस था, निफ्टी निकला 12500, 500 बढ़ गया, मुझे 500 मिलेंगे। पर मैंने 100 रुपए नहीं दिए थे उसको प्रीमियम, वो मेरी कॉस्ट नहीं हो गई, तो 500 मुझे मिले, 100 मैं दे चुका हूं कॉस्ट, तो नेट प्रॉफिट तो 400 हुआ। अब किस किस का आंसर ठीक था वो खुश हो गया होगा। चलिए अब आगे सुनते हैं, बात को बढ़ाते हैं। अब मान लो एक्सपायरी के दिन, थर्सडे के दिन, भाई साहब निफ्टी निकला 11000, वो बढ़ने की जगह गिर गया, कोई बैड न्यूज आ गई, उल्टी पुल्टी न्यूज आ गई, ट्रंप साहब ने कुछ ट्वीट कर दिया और चाइना और ट्रंप ट्रेड वॉर हो गई शुरू ज्यादा, उसके चक्कर में निफ्टी गिर गया, भाई साहब वो 11000 हो गया। अब मैं बताओ मुझे आप कि मुझे क्या देना पड़ेगा जिससे मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा? मुझे कुछ नहीं देना, मैं कॉल ऑप्शन का बायर हूं, मेरे पास ऑप्शन, मैं कहूंगा लैप्स, लैप्स मतलब कैंसिल, लैप्स कोई नहीं है सौदा, काट दो खत्म सौदा, हमें कुछ नहीं देना। अब मैं उसको कुछ नहीं दूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं मेरा प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, सोचो। वो हुआ 100 रुपए। 100 रुपए कैसे? क्योंकि जब मैंने उससे कॉल खरीदी थी तो मैंने उसको 100 रुपए प्रीमियम नहीं दिया था, वो 100 तो मेरी कॉस्ट थी। अब मुझे मिला तो कुछ नहीं पर 100 रुपए मैं दे चुका हूं, तो इनकम कुछ नहीं हुई, कॉस्ट 100 रुपए है, तो मेरा 100 रुपए लॉस हो गया। तो कॉल ऑप्शन में क्या हुआ, जितना हम प्रीमियम देते हैं कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए, वो होता है हमारा मैक्सिमम लॉस। क्या होता है? मैक्सिमम लॉस। उससे ज्यादा में लॉस हो ही नहीं सकता। और अगर मार्केट बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, कितनी भी बढ़ जाए, एक्सपायरी के दिन कोई बड़ी अच्छी न्यूज आ जाती है, सरकार कह देती है इनकम टैक्स फ्री हो गया, सरकार कह देती है कैपिटल गेन फ्री हो गया, सरकार कह देती है कॉर्पोरेट टैक्स जीरो हो गया, ऐसी अच्छी न्यूज आ जाती है और जो है मार्केट भाई साहब तो 12000 स्ट्राइक प्राइस था, 12000 से चढ़ के मान लो 20000 हो जाती है, कितनी रहती 20000, भाई साहब कमाल हो जाता है। तो क्या होगा, मुझे 8000 रुपए देने पड़ेंगे उस आदमी को जिससे मैंने 100 रुपए प्रीमियम देके कॉल दी थी, वो मुकर नहीं सकता, वो मुझे 8000 देगा, 100 रुपए में घटा दूंगा कॉस्ट, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 7900। तो यानी अगर मैं कॉल खरीदता हूं तो जितना प्रीमियम दूंगा वो मेरा मैक्सिमम लॉस है, और बाद में जो मुझे मिलेगा उसमें से प्रीमियम प्रीमियम की जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट है मेरी प्रीमियम, वो घटा दूंगा तो मेरा नेट गेन आ जाएगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, थर्सडे को निफ्टी क्या रेट हो जिसपे मैं ब्रेक इवन कर जाऊं? ब्रेक इवन होता है जहां जब मुझे प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो निफ्टी का क्या रेट होना चाहिए थर्सडे को कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हो? बताइए, मैं 5 तक गिन रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5। 12100 का स्ट्राइक प्राइस था, 100 रुपए मैंने प्रीमियम दिया, 12100 के 12000 के स्ट्राइक प्राइस में 100 रुपए प्रीमियम जोड़ दो तो जो 12100 है वो मेरा ब्रेक इवन है, क्योंकि अगर एक्सपायरी को 12100 हुआ निफ्टी तो मुझे 100 रुपए मिल जाएंगे क्योंकि मेरा स्ट्राइक प्राइस 12000 है, तो 100 रुपए मुझे मिलेंगे और 100 रुपए ही मैंने प्रीमियम दिया था, 100 में से 100 घटाऊंगा, मेरी प्रॉफिट क्या हो जाएगी 0। तो ये था सारा चक्कर, सारा तरीका, सारा प्लान किसका? कॉल का। तो जो कॉल खरीदता है उसको हम बोलते हैं कॉल बायर, उस कॉल बायर, और जो कॉल बेचता है उसको बोलते हैं कॉल सेलर। तो जो कॉल बायर होता है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और लॉस लिमिटेड होता है। लिमिटेड टू व्हाट? जितना वो प्रीमियम देता है, बस वो उसका लॉस है, उसने 100 रुपए दे दिया, इससे ज्यादा उसे लॉस नहीं हो सकता, वो अपने को एक तरीके से इंश्योर कर लेता है। प्रॉफिट तो अब जितना मर्जी हो जाए, लॉस 100 से ज्यादा नहीं, जो दे दिए 100 रुपए वही जाएंगे, और तो कुछ नहीं देना। अब इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट जो सेलर है, जिसने मुझे ये फैसिलिटी दी थी उसको 100 रुपए मिला है, 100 रुपए सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। इससे ज्यादा उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर कल को कुछ भी हो जाए मैं तो उसको और दूंगा ही नहीं, 100 रुपए दे रखे, 100 रुपए रह जाएंगे उसके पास, मैं सौदा लैप्स कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। अगर निफ्टी एक्सपायरी को स्ट्राइक प्राइस से नीचे होगा तो सौदा लैप्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसको ना मुझे कुछ देना है ना उससे कुछ मिलेगा। हाँ, 100 रुपए जो मैं दे चुका हूं प्रीमियम वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर निफ्टी निफ्टी जो है 12000 से ऊपर एक्सपायरी के दिन क्लोज होगा तो फिर मुझे उससे पैसे मिलेंगे, तो वो जितने पैसे मुझे देगा वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी और 100 रुपए उसकी इनकम हो जाएगी, इनकम में से वो कॉस्ट घटाएगा तो उसका प्रॉफिट आएगा, अगर उसने मुझे 100 से ज्यादा दिए तो वो लॉस में चला जाएगा। तो उस जो सेलर होता है कॉल का, ये बात समझ लीजिए, उसका लॉस अनलिमिटेड, प्रॉफिट लिमिटेड टू द मैक्सिमम ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड। फिर ध्यान से दीजिए, प्रॉफिट कितना लिमिटेड है? टू द मैक्सिमम ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, और लॉस अनलिमिटेड किसका? सेलर का। और जो बायर है उसका लॉस लिमिटेड मैक्सिमम टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, और प्रॉफिट जो है उसका वो अनलिमिटेड हो सकता है। यह एक विचित्र तरह की फैसिलिटी, सुविधा कह लीजिए, अवेलेबल है
कॉल ऑप्शन के अंदर। अब आप सोचेंगे बायर तो ठीक है, उसको तो इसमें फायदा है, सेलर ऐसा क्यों करेगा? आपके मन में विचार आएगा, सेलर ना बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो ना फ्यूचर मार्केट में डिलीवरी सेगमेंट में अपने आप को कवर रख के चलते हैं। अगर उनको कॉल वाले केस में लॉस हो जाता है तो वो कहीं और प्रॉफिट कमा लेते हैं, वो सेटअप हो जाता है। वो एक लंबी और अलग बड़ी डिफिकल्ट स्टोरी है आप लोगों के बिगिनर्स के लिए, तो वो मैं अभी यहां कवर नहीं कर सकता। तो आप ये भूल जाओ कि सेलर ऐसा क्यों कर रहा है, कोई सेलर समझदार है, वो चलाक है, उसको सब पता है, वो इसलिए कर लेता है। बायर जो है वो जल्दी जल्दी, आम आदमी आप और मैं जल्दी जल्दी कॉल ऑप्शन के सेलर नहीं बनते, क्योंकि सेलर का लॉस अनलिमिटेड, गेन लिमिटेड है। हम बनते हैं कॉल ऑप्शन के बायर, क्योंकि बायर का गेन अनलिमिटेड होता है और लॉस लिमिटेड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारा का सारा कॉल ऑप्शन का सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो आपको पूरी चीज मैंने थॉरली क्लियर कर दी है। अब मैं आपके ना कुछ टेस्ट ले लेता हूं, तो 5 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन फटाफट पूछूंगा। आप उसका आंसर कॉपी पेन से ले आओ, वीडियो पॉज कर लो, एक कागज में आंसर लिखो और फिर मुझे बताना आपको 5 में से कितने नंबर मिले। जिस व्यक्ति को 5 में से पूरे 5 मिलेंगे वो समझो मेरी वीडियो लेक्चर की सीरीज को बड़े अच्छे से समझ रहा है और आगे वो एक्सपर्ट हो जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल बदल बदल के आपको 5 क्वेश्चन पूछूंगा और आपने मुझे टू द पॉइंट आंसर कागज में लिख लेना, फिर मैं उत्तर दूंगा, आप देखना आपका आंसर सही है या गलत, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हो सकता है सुनने में जितना मुझे आसान लग रहा है समझाने में उतना आपको आसान नहीं लगना चाहिए समझने में, गलती हो जाती है, पर पता नहीं, हो सकता है मैंने बहुत अच्छा समझाया हो, आपको समझ आ गया हो, तो टेस्ट से पता चल जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, अब मैंने एक कॉल खरीदी जिसका स्ट्राइक प्राइस है 11,500, स्ट्राइक प्राइस क्या 11,500 और मैंने प्रीमियम दिया 100 रुपए, ठीक है, 11,500 की स्ट्राइक प्राइस, कॉल खरीदी 100 रुपए प्रीमियम दिया, एक्सपायरी को निफ्टी है 11,900, तो अब बताइए मेरा नेट प्रॉफिट क्या होगा, बताइए। पांच हो गया टाइम पूरा, मेरा नेट प्रॉफिट होगा 300 रुपए। कैसे? 11,500 स्ट्राइक प्राइस था, एक्सपायरी पे निफ्टी है 11,900, मुझे 400 रुपए मिल जाएंगे, 100 रुपए मैं दे चुका हूं, 400 में से 100 गए, 300 रुपए मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, बताइए कैसा लगा। अगला प्रश्न, अब मैंने एक कॉल खरीदी जिसका एक्सपायर, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 12,000, स्ट्राइक प्राइस क्या है 12,000, 100 रुपए मैंने प्रीमियम दिया, ठीक, 100 रुपए प्रीमियम दिया, 12,000 का स्ट्राइक प्राइस है, अब एक्सपायरी पे निफ्टी बंद होता है 12,100 पर, तो बताइए मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? जीरो होगा। कैसे? 12,000 स्ट्राइक प्राइस था, निफ्टी एक्सपायर हुआ 12,100 पर, 100 रुपए मुझे मिल जाएंगे, पर 100 रुपए तो मैंने कॉल खरीदने का प्रीमियम दिया था, 100 मिले, 100 में पहले दे चुका हूं, 100 में से 100 गए, प्रॉफिट जीरो। दूसरा क्वेश्चन था ये, अब तीसरे पे आ जाइए, मैंने कॉल खरीदी, स्ट्राइक प्राइस है 11,000, 100 रुपए प्रीमियम दिया और एक्सपायरी पे निफ्टी हो गया 12,500, मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? 11,000 स्ट्राइक प्राइस था, एक्सपायरी पे निफ्टी है 12,500, 1,500 मुझे मिल जाएगा, 100 रुपए मैंने दे रखे थे, तो 1,500 में से 100 घटाऊंगा, 1,400 का प्रॉफिट हो गया। चौथा क्वेश्चन, मैंने स्ट्राइक प्राइस 12,000 की कॉल खरीदी, 100 रुपए दिए, 12,000 स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदी, 100 रुपए दिए, एक्सपायरी पे निफ्टी था 11,000, मेरा लॉस प्रॉफिट क्या होगा? हो गया 5, मेरा लॉस होगा 100 रुपए। क्यों? 12,000 स्ट्राइक प्राइस थी, निफ्टी हो गया 11,000 रुपए, नीचे गिर गया, मैं लैप्स करा दूंगा कॉल को, कैंसिल जी, लैप्स जी, मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर 100 रुपए जो मैं दे चुका हूं वो मेरे मर गए, तो मेरा नुकसान होगा 100 रुपए। अब आखिरी क्वेश्चन ध्यान से बताइएगा, 12,000 की मैंने कॉल खरीदी, 100 रुपए दिए, 12,000 की कॉल खरीदी, 100 रुपए दिए और एक्सपायरी पे निफ्टी था 11,900, अब बताइए मेरा लॉस प्रॉफिट क्या होगा? ठीक हो गई, 12,000 स्ट्राइक प्राइस था, गिर गया निफ्टी, 11,900 हो गया, मुझे नुकसान हो रहा है, निफ्टी गिर गया, बढ़ा तो नहीं, तो मैं कैंसिल करा दूंगा, लैप्स करा दूंगा, भाई कैंसिल, लैप्स कोई लेना देना नहीं, खत्म, लेकिन मैं 100 रुपए दे चुका हूं पहले, वही 100 रुपए मेरा लॉस है। यानी अगर 12,000 से नीचे निफ्टी कहीं भी चला जाए, अगर स्ट्राइक प्राइस निफ्टी है, तो जो प्रीमियम दिया बस वही लॉस होगा। तो अब आप मुझे बताइए, आप में से मेरे जो ये प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स बन गए हैं अभी इस टेस्ट के,
उनमें से पांच में से किसके पांच मार्क्स आए थे, सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं ताकि मुझे इससे एंकरेजमेंट मिले। लिखिएगा कितने आए मेरे, आई गॉट 5 मार्क्स, आई गॉट 4 मार्क्स, आई गॉट 3 मार्क्स। ईमानदारी से लिखना, सेल्फ टेस्ट इज द बेस्ट टेस्ट, कोई चीटिंग नहीं चलेगी। फिर अगर चीटिंग करोगे तो सही बात नहीं है, ज्ञान नहीं मिलेगा। ईमानदारी से अपने मार्क्स लिखो कितने आए, ताकि मैं आगे की वीडियो में भी इसी तरह के टेस्ट लेता रहूं। और यह भी बताओ ये मेरा वीडियो का तरीका आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया, ऐसे मैं और वीडियोस लेके आऊं जिससे आपको क्लैरिटी हो, और क्योंकि इस तरीके से मैं आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स सिखा पाऊंगा। सही से अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ साथ मैं अलविदा लूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना है, और आज आपने अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों के साथ सभी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं लेटेस्ट अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूं, वो आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। सभी चीजों का मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर पढ़िए, उसमें आपके लिए खास खास बातें होती हैं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, आप लाखों करोड़ों खरबों अरबों रुपए कमाओ और मौज करो।